दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद प्रमुख रतन टाटा ने बुधवार देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा एक बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ समाजसेवी और परोपकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसकी वजह से दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। उनके द्वारा किए गए 5 बड़े कार्य जो रतन टाटा को महान बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल की, जब उस महामारी ने देश को संकट में डाल दिया था। कोरोना महामारी के समय जब हमारा देश संकटों से जूझ रहा था, उस समय टाटा समूह मदद के लिए आगे आया और 1500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। इसके अलावा देश में हर आदमी के पास कार हो, इसी विजन को लेकर टाटा मोटर्स की तरफ से साल 2008 में नैनो कार लॉन्च की गई थी, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रखी गई। रतन टाटा को कुत्तों से बेहद लगाव था, यही वजह है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। नवी मुंबई में मौजूद ये अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। रतन टाटा ने आगे कहा था कि मैंने जीवन में कई पेट्स रखे हैं, इस वजह से मुझे इस हॉस्पिटल की अहमियत पता है। टाटा ने TCS जैसी बड़ी IT कंपनी खड़ी की, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने का काम किया। इसके साथ ही तकनीक के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने फोर्ड कंपनी को संकट से उबारा। फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से फोर्ड को बेचना पड़ा और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया। टाटा ग्रुप आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की मदद करने के लिए भी हमेशा आगे रहे। ट्रस्ट ऐसे जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कार्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके।